हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वंस अगेन यू आर वेलकम योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आशा है आप सभी हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको आपकी क्लासेस से संबंधित विभिन्न जो सब्जेक्ट्स की मिल रही हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारी 11th क्लास का चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रतिगन। द ब्राउनिंग वर्जन इज एन एक्सट्रैक्ट, ये पार्ट है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन अ प्ले, द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रतिगन। इस प्ले से ये पार्ट लिया गया है, प्ले, एंड दिस इज वन एक्ट प्ले है, ये वन एक्ट प्ले। द सीन इज सीन जो है सेट इन अ स्कूल, इन अ स्कूल जो सीन है उसको एक स्कूल में दर्शाया गया है। एंड हेयर आर थ्री करेक्टर्स इन द लेसन। फर्स्ट वन इज मिस्टर क्रोकर हैरिस। मिस्टर क्रोकर हैरिस अ मिडल एज्ड टीचर। एंड सेकेंड वन इज फ्रैंक, टीचर ऑफ साइंस, अ यंग टीचर। एंड टैप्लो इज अ बॉय, 16 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे देर आर थ्री करेक्टर्स, लेटर अ करेक्टर नेम्ड क्रोकर मिली हैलिस दैट आल्सो कम्स इन द सीन, वो भी हमारे इस सीन में आती है, बट सी कम्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं द सीन इज सेट इन अ स्कूल, दिस इज वन एक्ट प्ले एंड देर आर थ्री करेक्टर्स इन द प्ले। यहाँ पे इस लेसन में हमारे पास तीन करेक्टर हैं, और जो है टैप्लो हु इज अ बॉय ऑफ 16, ही इज वेटिंग फॉर हिज टीचर, वेटिंग फॉर क्रोकर हैरिस। वो क्रोकर हैरिस का यहाँ पे वेट कर रहा है क्रोकर हैरिस, बट द लेटर हैज नॉट कम। बट द लेटर हैज़ नॉट कम मीन्स क्रोकर हैरिस हैज़ नॉट कम यट, अभी तक वो नहीं आए हैं। इन द मीन टाइम फ्रैंक कम्स हेयर, और जो फ्रैंक है वो यहाँ पर आ जाते हैं। एंड देर इज दे आर डिस्कसिंग समथिंग, अब वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो जो फ्रैंक है वो उससे पूछता है डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। तो यहाँ से जो कन्वर्सेशन उनका शुरू हो जाता है, तो जो टैप्लो है वो उसको कहता है नो सर, नहीं श्रीमान जी, आई एम, जो फ्रैंक टैप्लो है, आई एम इन लोअर फिफ्थ। तो वो अभी लोअर फिफ्थ में है, तो जो यहाँ पे फ्रैंक है वो इज अ टीचर ऑफ साइंस, ही आस्क्ड टैप्लो, उससे पूछता है हैव नॉट यू गॉट योर रिमूव सो फार, क्या तुम्हें अभी अपना रिजल्ट है अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो वो कहता है कि जो क्रोकर हैरिस है ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर हु डिक्लेयर द रिजल्ट, जो रिजल्ट हैं वो पहले ही डिक्लेयर कर दे, उस प्रकार के टीचर नहीं हैं। तो जो फ्रैंक है वो कहते हैं देर इज अ रूल दैट द रिजल्ट शुड बी अनाउंस ओनली बाई द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, जो हेड मास्टर के द्वारा
वो लास्ट डे ऑफ द टर्म, सेशन का जो टर्म है लास्ट डे ऑफ द टर्म तो उस दिन जो यहाँ पे टीचर के द्वारा नहीं बल्कि हेडमास्टर के द्वारा जो ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पे टैप्लो है हु एल्स पे इट, भी कौन इसकी तरफ ध्यान देता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस के सिवाय कौन इसकी तरफ ध्यान देता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब जो दूसरे टीचर हैं दे डिक्लेयर द रिजल्ट द रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द हेडमास्टर, बहुत सारे जो टीचर हैं हेडमास्टर की अनाउंसमेंट से पहले जो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते होंगे, लेकिन दैट थिंग डजंट अप्लाई टू क्रोकर हैरिस, लेकिन यहाँ पर क्रोकर हैरिस से के ऊपर जो ये चीज़ है वो लागू नहीं होती, ये बात है वो टैप्लो कहता है। और जो यहाँ पे फ्रैंक है उससे पूछता है, चलो मान लिया जो भी आप रिजल्ट होगा, इफ द योर रिजल्ट इज फेवरेबल, यदि मान लो जो तुम्हारा रिमूव है रिजल्ट है वो फेवरेबल रहा, इफ योर रिजल्ट विल बी फेवरेबल व्हाट विल यू टेक, भाई तुम क्या लोगे। तो फ्रैंक है वो कहता है ऑफ कोर्स साइंस सर, तो मैं निश्चित रूप से साइंस, ऑफ कोर्स साइंस कि मैं निश्चित रूप से साइंस लूंगा। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर टोंट करता है वी गेट ऑल द स्लैकर्स स्लैकर्स की हमें तो जो हैं सभी के सभी स्लैकर्स मिलते हैं, लेजी सुस्त बच्चे मिलते हैं जो कि लेते हैं। तो वो प्रोटेस्ट करता है कि दैट आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस सर, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दैट सब्जेक्ट, कि मेरा इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड कि मेरी साइंस में रुचि है इसलिए मैं साइंस सब्जेक्ट को ले रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द साइंस सब्जेक्ट। तो फ्रैंक है he's saying, वो कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस द सब्जेक्ट आई हैव टू टीच, जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना पड़ता है टीच साइंस उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो जो टैप्लो है he says that is much interesting than this muck बकवास, and he is indicating the book in his hand, उसके टैप्लो के हाथ में किताब है इस्चेलिस is the author and the Agamemnon the book, अब ये book है ये क्या है the Greek tragedy है ये। तो उस किताब की ओर इशारा करते हुए जो टैप्लो कहता है कि ये इस बकवास से तो अच्छा है, जो सब्जेक्ट है इस बकवास से अच्छा है, तो उससे पूछता है कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में। तो फ्रैंक जब उससे पूछता है तब जो वो बताता है कि ये स्टाइलिस जो कि ऑथर है एंड द एगमेनन एक ग्रीक ट्रेजडी है ड्रामा, उसको और इशारा करता है। अब उसके बारे में क्या बताता है, पर उससे पूछता है इज दिस अ मक, क्या ये एक मक है बकवास है। तो वो कहता है नो द बुक इज एक्चुअली नॉट ए मक, वास्तव में किताब मक नहीं है, इट इज हैज रादर ए गुड प्लॉट, कि जो गुड प्लॉट है वैसे तो यहाँ पे अच्छी स्टोरी है, कहानी अच्छी है, A wife murdering a husband, वहाँ पे एक जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड को मर्डर कर देती है, इस प्रकार की यहाँ पे कहानी है। बट द वे इट इज टोल्ड टू देम, द वे इट इज टोल्ड टू देम, जिस तरीके से ये उनको पढ़ाया जा रहा है जो ये ग्रीक ट्रेजडी है, और तो वो तरीका इज नॉट सुटेबल ऑन द पॉइंट ऑफ टैप्लो के अनुसार वो तरीका सही नहीं है, और देर आर मिक्सिंग ग्रीक वर्ड्स विद लैटिन
लैटिन के साथ मिक्सिंग ग्रीक वर्ड्स हैं और दे हैव टू राइट 15 इफ दे गेट देम रॉन्ग 15 वर्ड्स तो उनको लगभग 50 शब्द वो लिखने पड़ते हैं यदि उनको रॉन्ग हो जाए तो ये सारी की चीज़ें। तो फिर बाद में यहाँ पे उससे पूछता है जो फ्रैंक है, व्हाई आर यू वेटिंग हेयर फॉर, फिर उसने पूछा कि आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस फॉर एक्स्ट्रा वर्क। अब यहाँ पे वो कहता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। भाई लास्ट डे उस दिन आपको ये दिया गया है एक्स्ट्रा वर्क। तो यहाँ पे फ्रैंक ने बताया दैट ड्यूरिंग द लास्ट वीक व्हेन ही वाज इल ही मिस्ड अ डे, कि पिछले सप्ताह जब वो ही मिस्ड अ डे तो उसके एवज में मिस्टर क्रोकर हैरिस हैज गिवन हिम एक्स्ट्रा वर्क फॉर कंपनसेटरी, उस प्रतिपूर्ति करने के लिए जो वो उसको लास्ट डे पर भाई उसको काम दिया गया है। अब तो जो फ्रैंक है वो कहता है इट इज यू माइट प्ले गोल्फ, भाई तुम यू माइट प्ले गोल्फ फॉर सम टाइम, माइट प्ले गोल्फ सम टाइम, गोल्फ सम टाइम तुम गोल्फ खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए, माइट प्ले गोल्फ सम टाइम तुम थोड़ी देर के लिए गोल्फ खेल सकते हो। लेकिन जो टेप्लो है वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वो वेट तो कर रहा है तो दूसरा उसके ऊपर टोंट भी करता है, भाई तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो यहाँ पर तो यू विल डेफिनेटली यू आर रिमूव पॉजिटिव, तो तुम्हें शायद निश्चित रूप से तुम्हारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहता है दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन मिस्टर क्रोकर हैरिस लाइक अदर मास्टर्स, भाई दूसरे मास्टरों की भांति ये जो रूल है ये चीज़ है जो ये बात है दिस थिंग डजेंट अप्लाई ऑन क्रोकर हैरिस, ये चीज़ क्रोकर हैरिस के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब वो से पूछता कहता है दैट आई हैव वन डे आई हैव डायरेक्टली आस्क्ड मिस्टर क्रोकर हैरिस अबाउट माई रिमूव, कि मैंने अपने रिमूव के बारे में रिजल्ट के बारे में उनसे डायरेक्टली पूछ लिया था तो उन्होंने क्या कहा, डियर टैप्लो प्यारे टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व कि जो तुम वास्तव में डिजायर करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर और निश्चित रूप से न ज़्यादा। तो उन्होंने ये चीज़ है जो प्यारे टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, कि जो तुम डिजर्व करते हो यानी वास्तव में जो तुम्हारे अंक आने चाहिए उतने मैंने दिए हैं तुम्हें, न तो कम और न ही ज़्यादा। तो अब उसको कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए उसकी क्लॉक से बंक कर सकते हो भाई थोड़ी देर के लिए, अब क्योंकि उसने कहा था दैट सी विल बी एट 6:30 वो उस टाइम आएगा, क्रोकर हैरिस ने ऐसे कहा था दैट ही विल रिटर्न अबाउट 6:30 कि लगभग इस टाइम आएगा वो, बट मिस्टर क्रोकर हैरिस इज 10 मिनट्स लेट, लगभग अब 10 मिनट लेट हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक यू माइट प्ले गोल्फ, कि तुम गोल्फ खेल सकते हो ऐसा उसको कहा, यू माइट बंक फ्रॉम हियर, तो उसने कहा दैट आई हैव नेवर बंक्ड फ्रॉम हिज क्लास ड्यूरिंग द होल ईयर, भाई पूरे के पूरे साल के दौरान शायद ही किसी बच्चे ने ऐसा किया हो कि भाई किसी बच्चे ने उसकी उनकी क्लास को मिस किया हो या बंक किया हो, मिस हिज क्लास और बंक फ्रॉम हिज क्लास इट इज एवर पॉसिबल बाई एनी वन स्टूडेंट, शायद ही किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया हो। तो वो कहते हैं वो कहता है आई फील जेलस
कि मैं मुझे ईर्ष्या होती है, आई फील इनवर्स कि मुझे जेलसी होती है इस चीज़ से। यू सीम्ड ऑन यू बॉयज, सीम्ड ऑन यू बॉयज, यू बॉयज, भाई तुम जो बच्चे हो भाई तुम उनसे इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। ही बीट यू समथिंग और वट ही डज टू यू, भाई या तो वो तुम्हें पीटता है या बीट यू, या तो वो तुम्हें पीटता है और डज समथिंग टू यू या और कुछ तुम्हें करता है, ऐसा क्या करता है जिससे कि जो बच्चे हैं भाई उसका जो इम्पैक्ट है उसका इफेक्ट है पूरी क्लास में इस प्रकार से है। तो इस चीज़ को देख करके मुझे मिस्टर क्रोकर हैरिस से ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर जो टेप्लो है, ही सेज दैट ही इज नॉट अ सैडिस्ट, मिस्टर क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस इज नॉट अ सैडिस्ट, कि मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो एक सैडिस्ट नहीं है। मीन्स हु फील्स प्लेजर बाई गिविंग पेन टू अदर्स, जो दूसरों को पेन दे करके दूसरों को पीड़ा दे करके वो खुश होते हैं वैसे मास्टर नहीं है। एंड ही आल्सो मेंशन लाइक अदर मास्टर्स, लाइक अदर मास्टर्स। तो यहाँ पे उससे जो फ्रैंक है वो समझ आता है कि जो वो कहता है कि यू यूज लाइक अदर मास्टर, भाई तुमने दूसरे मास्टरों का जिक्र किया क्या, हु आर दोज मास्टर, वो कौन से मास्टर है। तो वह कहता है यू नो वेरी वेल सर, आई नो आल्सो एंड यू नो वेरी वेल सर हु आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं, देर आर अदर मास्टर हु थिंक दैट वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, कि हम जो बच्चे हैं वो वस्तुओं को अच्छी प्रकार से नहीं समझते, ऐसे अन्य जो मास्टर हैं ऐसा वो सोचते हैं। और जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है ही इज नॉट द से दैट काइंड ऑफ टीचर, लेकिन जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है वो इस प्रकार के जो टीचर नहीं हैं। और उनके बारे में ये कहते हैं कि वो फील करते हैं एनवी, ही फील्स एनवी इफ समवन लाइक्ड हिम, इफ समवन लाइक्ड हिम, Someone liked him. यदि कोई इसको liked him, यदि कोई मिस्टर क्रोकर हैरिस को पसंद करे तो उनसे मतलब ईर्ष्या महसूस करने लग जाते हैं कि वो चाहते हैं that nobody should like him, कि कोई उनको पसंद ना करे। और उन चीज़ों के बावजूद भी I should rather like him, मैं फिर भी मैं उनको पसंद करता हूँ, like him। अब वो उससे कहते हैं कि मैं उनको फिर भी पसंद करता हूँ उनकी इन क्वालिटी की वजह से। और he shriveled like a nut, कि वो एक सुपारी की भांति वो अंदर से सिकुड़ जाते हैं जब कोई उनको वो देखते हैं कि कोई उनको पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर जो टेप्लो है एक उदाहरण भी एग्जाम्पल भी पेश करता है, दैट वन डे ही मेड अ क्लासिकल जोक, जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है वन डे मेड अ क्लासिकल जोक इन द क्लास, क्लास में एक क्लासिकल जोक सुनाया, नोबडी लाफ्ड, कोई भी नहीं हंसा, नोबडी लाफ्ड। बट टेप्लो आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस, भाई विनम्रता के नाते आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस ऑर्डिनरी पोलाइटनेस की वजह से ही लाफ्ड, वो हंसे। अब क्योंकि ही थॉट दैट ही हैड मेड द जोक, क्योंकि उसने सोचा कि जो टीचर ने जोक सुनाया है टू द क्लास फॉर मेकिंग देम हैप्पी, उनको खुश करने के लिए, अब और कोई नहीं हंसा तो टेप्लो हंस पड़ा। और ये चीज जो टीचर ने नोटिस की
अब उन्होंने कहा भाई आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव अ कमांड ओवर लैटिन लैंग्वेज एंड यू आर इन ऑन योर प्रोग्रेस। भाई तुम्हारी प्रोग्रेस के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। भाई यू गेट अंडरस्टैंड द जोक व्हाट आई मेड इन द क्लास। भी तुम उस चीज को समझ पाए जो द रेस्ट ऑफ द क्लास डिडंट अंडरस्टैंड, जो बाकी की क्लास नहीं समझ पाई उस चीज को। एंड यू विल बी क्वाइट गुड इनफ टू टेल द होल क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय जोक। भाई तुम अब क्लास को पूरी की पूरी कक्षा को बताओगे कि जो जोक किया था मैंने वो क्या था। अब इस चीज से जो यहाँ पे टैप्लो है वो भी सोचने लग जाता है, क्योंकि जो टैप्लो था हिमसेल्फ डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वैसे तो वो हंसा तो इस वजह से था भाई टीचर ने भाई कक्षा को हंसाने के लिए मजाक किया था। अब कोई नहीं हंसा तो टैप्लो हंस पड़ा। लेकिन यहाँ पर अब जब टीचर ने कहा भाई तुम्हारी अच्छी प्रोग्रेस है लैटिन लैंग्वेज के ऊपर और तुम्हें जो मेरा बताया हुआ जो मजाक है यू अंडरस्टैंड एंड नाउ यू विल टेल द होल क्लास व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है उसका, अब तुम पूरी क्लास को बताओगे। अब लेकिन वो बताए तो तब जब उसको समझ में आया है तो ही हिमसेल्फ डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी ही समझ में नहीं आ था, वो तो वैसे हंसा था भाई टीचर ने सुनाया है। तो इसी बीच जो यहाँ पर है मिली क्रोकर हैरिस इंटर्स इन द सीन, वो यहाँ पे इंटर्स इन द सीन वो यहाँ पे सीन में प्रवेश करती है। वो लेट थर्टीज में है, यानी कि लगभग उसकी उम्र लास्ट के लेट थर्टीज में है। एंड सी इज वेयरिंग गुड ड्रेस देन जर्नल टीचर्स वाइफ वियर, जो सामान्यतः अध्यापकों की जो वाइफ होती हैं वो कपड़े पहनती हैं उनसे अच्छे पहने हुए हैं। एंड सी पुट अ बाइंग बास्केट ऑन द टेबल, वहाँ पे टेबल पर एक बास्केट रखती है। एंड दे डिडंट नोटिस फ्रैंक एंड टैप्लो हु वर डिस्कसिंग द थिंग्स अबाउट, तो वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इन द मीन टाइम फ्रैंक नोटिस क्रोकर मिली हैलिस उसको नोटिस कर लेता है दैट शी हैज़ अराइव्ड देयर, कि वो वहाँ पे आ चुकी है। तो वो कहता है, उसे मजाक करके कहता है कि जो इतना अच्छा जोक है वो अपने तक सीमित नहीं रखना, डोंट मेक लिमिट द जोक टू योर सेल्फ, भी अपने आप तक सीमित नहीं रखना, टेल टू अदर्स, भी दूसरों को भी सुनाना है। और वहाँ पर उसी समय वो क्रोकर मिली हैलिस को देख लेता है और ही फेल्ट रिलीव्ड, बहुत ही राहत महसूस करता है। एंड ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से चला जाता है। तो बीच में वो जाने से पहले जो टैप्लो है वो उससे पूछता है डिड मिसिज क्रोकर हैरिस ही हर्ड द कन्वर्सेशन व्हाट वाज गोइंग ऑन बिटवीन देम, कि जो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, या जो इमिटेटिंग कर रहा था यहाँ पे बीच बीच में थ्रोटी वॉइस से जो टैप्लो है वो उसको इमिटेट भी कर रहा था, भाई जिस प्रकार की लैंग्वेज जो यहाँ पर मिस्टर क्रोकर हैरिस यूज़ कर रहे थे टैप्लो के साथ, वो वाली इमिटेशन दो तीन बार की भी उसने। अब उसने सोचा कि शायद मैं उसकी आवाज़ को इमिटेट कर रहा था, तो जो मिली हैलिस है उसने शायद वो सुन ली होगी, और यदि उनको पता लग गया और ये बात सी वुड हैव टोल्ड टू हर हस्बैंड एंड देयर गोज द रिमूव, और उसका जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो कहता है कि शायद इसने वो नहीं सुना होगा। तो उसी समय जो फ्रैंक है वो वहाँ से चला जाता है, और जो मिली हैरिस है वो टैप्लो से कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि तुम मेरे पति का इंतज़ार कर रहे हो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, ही इज एट बर्सर, कि वो तो बर्सर यानी खजांची के यहाँ पर है डूइंग सम एरेंड, कुछ काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है। तो
वहाँ पे उससे कहती है भाई तुम थोड़ी देर के लिए अब बाहर भी जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो वो कहती है कि भाई तुम क्वार्टर एन आवर भाई तुम 15 मिनट के लिए यहाँ पे जा सकते हो। और उसने पूछा इफ़ ही रिटर्न अर्लियर बिफोर मी, यदि वो मेरे से पहले आ जाए तो क्या होगा। तो मिली क्रोकर हैरिस कहती है आई टेक द ब्लेम कि मैं जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लूँगी। एंड यू कुड डू अ वर्क फॉर हिम तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। एंड फ्रॉम द बास्केट सी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट वो निकालती है, एक सूची है प्रेस्क्रिप्शन स्लिप फ्रॉम द बास्केट। एंड सेज टू टैपलो टू गो टू अ मेडिसिन शॉप कि वो मेडिसिन शॉप पर चले जाए एंड मेक इट और इसको बना लाए, यानी कि जो पर्ची में जो लिस्ट है सामान की वो तुम कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट टैपलो हु इज़ ए बॉय ऑफ 16 ही लेफ्ट फ्रॉम द डोर वो वहाँ से दरवाजे से बाहर निकल के चला जाता है। इन दिस वे आर स्टोरी आर चैप्टर समरी द ब्राउनिंग वर्जन हैज़ कम्प्लीटेड, वो कम्प्लीट हो गई है। आशा है आप सभी को जो ये लेसन की जो स्टोरी है समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। और आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लंचर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।